अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी कोरियन एग की रेसिपी। एग रोलअप बनेगा ये, इसके लिए मैं लूँगी 3 अंडे, 1 टेबल स्पून बेल पेपर येलो वाली, 1 टेबल स्पून रेड वाली, 1 टी स्पून ग्रीन वाली। अगर आपके पास रेड ना हो तो आप क्वांटिटी में 1 ये वाली जो ग्रीन बेल पेपर है वो यूज़ कर सकते हैं। हरा धनिया, सॉसेजेस ये भी ऑप्शनल है, स्किप कर सकते हैं आप इसको। हरी प्याज के पत्ते और प्याज, एक टेबल स्पून प्याज, और ये भी 1 टीस्पून है। आए देखते हैं अब ये कैसे बनेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ा सा नमक डाला मैंने इसमें, नमक हंसने ज़रूरत है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसमें। अब मैं इसमें ये सब चीज़ें डालूँगी, शिमला मिर्ची लाल, हरी और पीली, थोड़ा सा हरा धनिया। ये जिनके लिए बन रहा है उन्हें सॉसेजेस नहीं पसंद है तो इसलिए मैंने इसमें सॉसेजेस नहीं ऐड किए। प्याज और हरी प्याज की कुछ पत्ते, इसमें मैंने मिक्स करते हुए 1 टेबल स्पून क्रीम ऐड की है बस। ये देखिए इसमें मैंने बटर डाल दिया हल्का, अब ये बिल्कुल हल्का हल्का गर्म हो जाए तो उसको ऐसे घुमा के इसको हम थोड़ा लो फ्लेम पे बनाएंगे, इसको लाल नहीं करना हमने। अब इसको मैं रोल बनाऊंगी तो आपको दिखाती हूँ, ज़रा सा पक जाएगा तो फिर मैं रोल बनाना शुरू करती हूँ उसका। ये देखें अब मैंने इसका ये रोल बनाना शुरू किया, बहुत एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता आपने इसका रोल बनाना है ऐसे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर होगा ये काम। हमारे पास जो अपना और मिक्सचर है वो भी डालेंगे इसमें साइड पे। अभी थोड़ा सा मिक्सचर हमारे पास और है, हम इसको इस तरीके से रोल करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब ये साइड जरा सी पकेगी तो फिर हम मजीद रोल करेंगे इसको। अच्छा इसमें हम चीज़ भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये हम हेल्दी डाइट में खा सकते हैं, चीज़ वाला हम इसको कीटो डाइट में खा सकते हैं। अब इसको धीमी ही आंच पे बिल्कुल थोड़ी देर पकाएंगे ताकि अंदर से जो भी कच्चापन हो उसका खत्म हो जाए। ये देखें ये हमारा एग रोल रेडी है, बस अब इसको मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए बस ये हल्का सा यहाँ से हल्का सा रेड होगा बस, तो तकरीबन ये रेडी हो चुका है। ये देखें ये कैसी लेयर्स बनी है इसकी, देखें कैसा अच्छा रोल आया। ये बहुत मज़ेदार और बहुत यमी है, ये आप हेल्दी डाइट में भी ले सकते हैं, कीटो में भी ले सकते हैं, सब में ले सकते हैं। अगर आप कीटो पे हैं और आप चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप रोल बनाते हो इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं, और अगर आप हेल्दी डाइट पर हैं तो इसको ऐसे ही ले लें। मैंने ये 3 अंडों का बनाया, आप ये 2 अंडों में भी बना सकते हैं अपनी डाइट के मुताबिक।